सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। ब्लॉग आ रहा है काफ़ी टाइम बाद। तो आज जो हम आए हैं ना, जो हमारी लोकेशन है वो तो आपको जैसे पता है कि रेगुलर लोकेशन है भाई ल्यूपर ट्रेल की। तो वो वैसे मैं बता देता हूँ, तो आज जो है ना भाई है यहाँ पे हिमालयन का शूट 452 का, तो और उसकी हम करने वाले ऑफ रोडिंग टेस्ट। तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस ब्लॉग में आपको पूरी कंप्लीट मिलेगी, तो बने रहिएगा एंड तक। और जो भी नए बंदे आए हैं भाई, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। सो अभी जो प्लान हुआ है हमारा कि हम जा रहे हैं अडोरा में। तो अडोरा NCR ये एक लोकेशन है जहाँ पर आप अपने अगर आपके पास महिंद्रा थार या बेसिकली 4x4 व्हीकल्स हैं तो आप यहाँ पर आके ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चार्जेस हैं तो आप यहाँ पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चार्जेस से रिलेटेड, और अपना फुल पैकेज ले सकते हैं रिलेटेड टू 4x4 ऑफ रोडिंग अगर आपका कार से करना चाहते हैं। और बाइक का भी थोड़ा बहुत माइल्ड है, तो वो जो भी होगा अभी आपको ब्लॉग में दिखेगा, जिसमें हम हिमालयन 452 को भी टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ अपनी KTM एडवेंचर तो है ही। ये है अटोरा NCR जहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे 452 का शूट हो रहा है, और ऑलरेडी जो बाइक है वो ऊपर लगा चुके हैं हमारे सौरभ भाई, जिनका है भाई किंग इंडियन के नाम से चैनल। और इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको सिंपली आपको आपको उनके चैनल पे मिल जाएगा। खोलना भाई गेट। ओके भाई, यहाँ हमारे जो हैं किंग इंडियन वाले भाई देखिए कर रहे हैं हिमालयन 452 का शूट, और अभी जो बाइक है अभी यहाँ से जितने ऑब्स्टेकल्स हैं अडोरा NCR के उसको कर रहे हैं ट्राई। और यहाँ का चार्ज है वैसे 1000 रुपये, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोकेशन है और शूट चल रहा है यहाँ पर। तो बाकी अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वो किंग इंडियन वाले चैनल पे ही मिलेगी। फुल डेडिकेटेड जो ऑफ रोडिंग होने वाली है ना हिमालयन 452 की, वो आपको यहीं पर ही मिलेगी। बट यस, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली बिहाइंड द सीन्स की होने में क्या हाल है। तो कोर ऑफ रोडिंग टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर हिमालयन 452 की। सो भाई अभी हुआ था यहाँ पे इसका ट्रैवल, आप बोल सकते हैं कि सस्पेंशन टेस्ट। तो जो सस्पेंशन टेस्ट का जो भी है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया। बट ये वाला जो ट्रैक है ना, इस वाले प्रॉपर ट्रैक पे कंप्लीट सस्पेंशन टेस्ट हुआ था, और साथ ही साथ इसी पे ही आप 4x4 व्हीकल्स का भी अपना सस्पेंशन यहाँ पर आकर टेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढा बना हुआ है, फिर एक ये वाला गड्ढा है, और ये देखिए भाई गाड़ी का तो आपको डेफिनेटली मज़ा आने ही वाला है। बट हमने बाइक को भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेडलिंग करते हुए इसमें से निकाल दिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे टेस्टिंग चल रही है रॉयल एनफील्ड 452 हिमालयन की। तो यहाँ पे अभी जो है टेस्ट किया गया है कि बाइक इस ऊंचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ पाती है, नहीं चढ़ पाती है। तो जो रेगुलर ट्रैक है उसके ऊपर तो ईजिली पार कर गई, लेकिन जब इसको क्रॉस किया गया तो वहाँ पर जो सॉइल थी वो काफ़ी लूज थी, जिसकी वजह से उसका ट्रैक्शन नहीं बन पाया और गाड़ी नहीं चढ़ पाई होती। भाई लोगों, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से चढ़ता है भाई 4x4 व्हीकल, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सी शेप में ये बनाया गया है। और जब आप, मेरे को लगता है जब ये ट्रैक प्रिपेयर होगा तो वहाँ पे कुछ पानी वानी भी डाल दिया जाएगा ताकि आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो सके। तो अगर आपके पास 4x4 व्हीकल है, और अगर बाइक भी है आपके पास एडवेंचर टाइप की, तो आप इस पर काफ़ी ईजिली टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ कि अभी अनदर ट्रैक जो हमारे पीछे है उस पर चल रहा है हिमालयन 452 का शूट। तो आप देख सकते हैं ये वाला ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अंदर से डीप होगा, और इसके अंदर अभी चल रहा है भाई 452 का शूट, जिसकी आपको जो ये वीडियोस हैं बहुत जल्दी आपके YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और हमारी तरफ से जो 452 का जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और बाइक रियली गुड परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप एडवेंचर टूरर के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हैं। भाई अभी कल्पेश भाई कर रहे हैं अपनी जो है हिमालयन 450 की हल्की फुल्की टेस्टिंग, तो अभी यहीं पर नॉर्मली चला रहे हैं। अरे कितनी आगे चले गए भाई, जल्दी आ इधर आओ। तो भाई चलाकर आ रहे हैं, अभी इनसे लेते हैं रिव्यू कि इनको कैसा लगा, कुछ फर्स्ट इंप्रेशन पूछते हैं कैसा है। कैसी लगी बाइक, कैसी लगी बाइक? बाइक ज़बरदस्त है। अभी ये ना ऑफ रोडिंग मोड में है, तो कई बार व्हील स्पिन भी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, और जो
इंजन है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका। अभी जैसे मैं अभी KTM चलाता हूँ 390 एडवेंचर, तो उसमें कभी कभी इश्यू आता है कि जब आप लो RPM पे होते हो, अब आपका थ्रॉटल मार्क बाई चांस लो हो जाए तो गाड़ी बंद हो जाती है। इसमें वो इश्यू मुझे फील नहीं हुआ, सेकंड गियर पे मैं था अभी, तो काफ़ी ठीक था ये। और बाकी अभी 2-3 राउंड मैंने यहाँ पे भी लिए हैं। तो अब एक बार सेडलिंग करके देखो, सेडलिंग का रिव्यू लेते हैं। सेडलिंग मैंने भी की थी इसके ऊपर, हाँ। बड़ी नॉर्मली हो जा रही है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो हाइट कितनी है, 5 फुट मेरी 5'8" है, और मेरे जो है शूज़ पहनने के बाद मेरा फ्लैट फुट हो रहा है। और जो इसकी सीट हाइट है वो भी लोअर वाली सेटिंग पे की गई है, 845 नहीं, वो 825 सेटिंग पे है अभी। तो हाइट का मेजर इशू मेरे हिसाब से जो है, अगर आपकी हाइट 8'5" तक भी है तो आप टिप कर लोगे दोनों तरफ, दोनों पैरों की जो है, तो आप कंट्रोल कर पाओगे बाइक को। और जो सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ से काफ़ी नैरो है, जिसकी वजह से आप कम हाइट के भी हैं तो भी इजीली इसको फ्लैट फुट कर पाएंगे, लाइक 5'7" भी फ्लैट फुट कर सकता है इसके ऊपर। अब मैं वैसे इसके पीछे बैठ के देखता हूँ कैसा लगता है। अब मैं इसके पीछे बैठ गया हूँ। अरे अब तो बहुत नीचे हो गई है। हाँ, तो अब पीछे बैठने का थोड़ा रिव्यू देखते हैं। चलाओ इसे, जहाँ पे बाइक का हेलमेट है ना वहीं चलते ना। तो भाई ये जो डॉग है ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बाहर मत जाने देना इसे, अंदर रहे। तो हम ले रहे हैं अडोरा से, हमने ले लिया एग्ज़िट और अपनी चल रही है आगे 452 हिमालयन आगे चल रही है। और अब हम चला रहे हैं अपनी KTM एडवेंचर एक्स, और आप देख सकते हैं कि जो इसका है, हमने ऑलरेडी इसका जो है ऑफ रोड पर डाल दिया, तो मेन इसका मतलब है यहाँ पर कि ABS कर दिए हैं भाई ऑफ। हमारी नेक्स्ट लोकेशन रहेगी जो हम लियोपर्ड में जो पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली लोग ट्रैक के लिए जाते हैं या फिर कोई बाइक वाइक भी चलाने के लिए जाते हैं, तो उस वाली लोकेशन पे जाएंगे। तो इसका एक बार हिल टेस्ट भी हो जाएगा, हिल पे कैसे परफॉर्म कर रही है। और अपनी बाइक भी पहली बार ही जा रही है। पहले मैं वहाँ पर अपनी पल्सर लेकर गया था, जिसमें ऑफ रोड टायर डले हुए हैं ऑलरेडी। तो बट अब हम जो जा रहे हैं अपनी KTM एडवेंचर एक्स और हिमालयन 452 जो न्यू वाली लॉन्च है, उन दोनों बाइकों को वहाँ ले जाएंगे और देखते हैं भाई कैसे परफॉर्म करते हैं। और ख़ास बात यह है कि दोनों पे पिलियन रहेगा, तो पिलियन के साथ ऊपर चढ़ना एक अलग ही टास्क है। तो देखते हैं भाई पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है, या पिलियन को हम उतारेंगे। अब बैठ जा भाई, तो अब कस के बैठ जा, अब गाड़ी जाने वाली है ऊपर। हाँ ले जाएं, करें गैप लेके चलेंगे, गैप लेके पहले मैं जाऊं उतर के बैठा लो। भाई तेरे को भी उतरना पड़ेगा, चला जाना उसके साथ। फोन दे दूं मैं अपना फोन दे दूं। भाई बैठा लो, चल मैं बैठ। अब तो ईगो हट हो गई हमारी, स्प्लेंडर पे जा रहे हैं, तुम बताओ। आप सब स्प्लेंडर पे तीन बैठ के चले गए, बस तू पकड़ के बैठियो। तो भाई हिमालयन आती है, जब तक हम लेके चलते हैं अपनी एडवेंचर एक्स। दो बंदे बैठे हैं, हम गाली निकल रही है मुँह से। भाई उतार दिया यार उसने, हमारी ईगो हट ने, हमारी तो निकल गई है एडवेंचर एक्स को। तो हमने इजीली अभी हमें विद पिलियन निकाल रहे हैं, इतना इजी नहीं है भाई, कस के पकड़ना। हाँ बस, नहीं नहीं निकाल, सब उतर जा भाई, इधर जो। सो भाई अब आ रही है दोनों हिमालयन, न्यू हिमालयन और ओल्ड हिमालयन। सो भी न्यू हिमालयन को दे दिया एंट्री आगे आने की, सॉरी ओल्ड हिमालयन को, तो वो निकल जाएगी। तो फिर अपना दिखाते हैं अपनी न्यू वाली हिमालयन। सो
तो ये थी अपनी ओल्ड हिमालयन KTM एडवेंचर पहुंच चुकी है। अब आ रही है रियल ऑफ रोडर अपनी हिमालयन 452। अभी कर रहे हैं भाई शूट, इसको ऊपर लेकर आते हैं, फिर हम यहाँ से अपनी सारी बाइकें लेकर चलते हैं। सब न्यू वाली हिमालयन को देखने के लिए खड़े हैं यहाँ। यहीं से कर हमने रोक रखा है। तो आप बढ़ जाओ यहाँ, आ जाओ थर्ड साइड हो जाओ। देखिए ये वाली बाइक कौन सी वाली, हाँ अभी लॉन्च हुई है ना ये, हाँ अभी ये क्रॉस कर गई, अब निकलते हैं आगे की तरफ। आ जा कल्पेश, आ जा, बैठ बैठ बैठ, कस के हेलमेट की स्ट्रिप बांध ले भाई, तेरी हेलमेट की स्ट्रिप खुली हुई है। तो वैसे आप अगर ट्रैक वैक करना आना चाहते हो तो पैदल भी आ सकते हो, बट अभी हम लेकर जा रहे हैं अपने एक्सट्रीम लेवल पे जो है अपनी 452 हिमालयन को और KTM एडवेंचर एक्स को। और जो पहले यहाँ पे बात आपको बताने की भाई, दोनों का जो है दोनों में आपको ABS ऑफ है और एक्सट्रीम लेवल में ऊपर पहुँच रहे हैं और दोनों विद पिलियन जा रही है। खास बात यह है तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के साथ वेट रेशियो का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान है कि अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 200-200 किलो वजन बाइक पे भी हमने डाल रखा है। तभी थोड़ा सीनिक शूट होगा। और सामने से ना 4x4 थार वहाँ से मुझे वापस आते हुए दिख रही है, 4x4 थार। सो अब यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, भाई भी रेडी हो रहे हैं और अपने 452 हिमालयन को लेकर आते हैं। जब तक मैं अकेले जा रहा था बट सामने से आ गई थार, पहले मैंने सोचा उसको साइड दे दूँ, इजी इजी और आराम से। अरे यूं ही निकल गई, इसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ओहो, खास बात देखिए पीछे की लाइट देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आपको लाइट का ऑप्शन ही नहीं दिया, इंडिकेटर में ही आपको दिया है कि भाई बंदा अगर ब्रेक लगा रहा है तो आपकी जो लाइट है वो रेड हो जाएगी और इंडिकेटर में जैसे कि आपको इंडिकेटर का कलर पता है वो सेट हो जाता है। ओहो सिर बचाइए, है ना, बेटर है बेटर है। ओहो तो अब हम यहाँ से ना नीचे की तरफ निकल रहे हैं और अभी शूट अभी और चल रहा है, हम जब तक नीचे चलते हैं मैगी वैगी खाते। नीचे उतरते वक्त तो दिक्कत नहीं हो रही है, पर बस ये है कि ज़्यादा मोटे गड्ढे में नहीं घुसानी, बाकी तो बाइक निकल जाती है पहली और दूसरी गियर पे स्पीड। भाई भी कह रहे बहुत तेज़ चल रहे हो, तीसरी गियर लगा दी हमने। उतरना है, ठीक हो, बना रहे हैं आपको। नाराज हो गया क्या? आई गाड़ी को देंगे रेस्ट, ऐसे नहीं चलेंगे, पंखे ऑन हो गए गाड़ी के। पीछे की ब्रेक है पूरी। चलो भाई फाइनली आ गए नीचे। आलू ऊपर लेके बोहो कैफे लेके चलूँ क्या? बोहो कैफे लेके चलूँ? वो हमें नहीं, तो अब यहाँ से चलते हैं बोहो कैफे और यहाँ पे वहाँ पे खाते हैं एक एक पराठा। तो भाई हिमालयन का व्लॉग हो चुका है पूरा शूट जैसे कि आपने देख लिया था। तो अगर आप लूपर ट्रेल आए हैं तो बोहो कैफे आना तो बनता ही है। तो आप देख सकते हैं अभी कैसा इन्वायरमेंट हो रहा है रात के समय पे, अभी 6-7 बज रही है तो कुछ इस तरीके से है इन्वायरमेंट अभी। और तो चलिए, अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लूपर ट्रेल आते हैं तो बोहो कैफे पर आकर अपना खाना वाना चेकआउट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। तो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में।